आपदा प्रभावितों को बटा राशन, प्रशासन ने दिया राशन का किट, द्वारसिंह नव्याल स्टेडियम में राशन के किट दिए गए। आपदा प्रभावितों ने राशन के किट को बताया अपना मजाक, प्रशासन को चेतावनी दी कि 3 किलो चावल, 1 किलो दाल व अन्य छोटी छोटी सामग्रियों से आपदा प्रभावितों का जो 5 लोगों का सदस्य का परिवार है वो नहीं खा सकता है एक हफ्ता भी। इस तरह का मजाक से कई आपदा प्रभावित नाराज दिखे। आपदा प्रभावितों ने राशन लेने से भी इनकार किया, परंतु आवश्यकता जिनको थी वो लाइन में खड़े रहे और लाइन में खड़े होने के बाद जब उनको सामग्री उपलब्ध हुई तो उनका गुस्सा देखने लायक था। FGI पुष्कर सिंह मनौल ने बताया कि शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मैं उसी के आधार पर राशन का वितरण कर रहा हूँ। अगर सरकार या शासन कहेगी कि राशन अधिक अतिरिक्त दिया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु शासन के दिशा निर्देश और जो मानक है वो 3 किलो चावल, 1 किलो दाल व पाव भर बड़ी अन्य है। लोगों में बड़ी नाराजगी, परंतु आपदा प्रभावित इस किट से बहुत नाराज प्रतीत हो रहे हैं। आपदा के अंतर्गत 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, पावर बड़ी, 1 आधा लीटर तेल, 2 माचिस, 2 मैगी, 2 बिस्किट दे जा रहे हैं और 5 आदमी का परिवार है। आप किस मानक को क्या कहेंगी सभासद महोदय? ये मानक सरकार की तरफ से पूरी तरह से फेल है और जिस तरीके से सरकार ये आपदा वालों के साथ खिलवाड़ कर रही है और मजाक उड़ाने का काम कर रही है, मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि आपदा वालों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। ये 5 लोगों का परिवार और 6-7 लोगों का परिवार रहता है एक परिवार में, लेकिन आप 3 किलो चावल देके उनका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं और उनके साथ जो घटना घटी है उस दुख को ज़्यादा बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। अगर आपदा वालों को आप 1 महीने का 30 किलो चावल और 5 किलो दाल और 5 लीटर तेल नहीं देते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि ये आपदा का समय है। आपको खुद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आपदा से लोग गुजर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों में जा नहीं पा रहे, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे, मतलब इस समय ऐसी स्थिति हुई है कि इस स्थिति के ऊपर भी आपने जो ये 3 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर आपदा वालों के साथ मजाक करने का काम किया है। मैं चाहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपको इस मजाक के लिए कभी दाल मिल रहा। आप किस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आपदा ग्रस्तों, क्या कहोगे इसमें आप, क्या पूरा होगा बताइए? हम लोग बहुत परेशान है, घर छोड़ के बच्चों के लेके कहीं दूसरी स्थान में बैठे हुए हैं और हम बड़े परेशानी के साथ सामना कर रहे हैं। और 3 किलो चावल बड़ा परिवार है, 3 किलो चावल, पाव बरबड़ी, 1/2 लीटर तेल और 2 कैंडल, इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा पूरा होने वाला है नहीं। ऐसे देना है तो सही तरीके से दे दीजिए, नहीं हुआ फिर नहीं तो हम अब ये 2 किलो 3 किलो चावल से हमारा पूरा होने वाला है नहीं। साहब कल जो राशन आपदा के तहत बांटा गया है कुल कितने परिवारों को बांटा गया, साथ में क्या वस्तु दी है और आगे क्या प्रोग्राम है आपका? तो महोदय हमें कहते हैं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार उनके आदेश के अनुपालन में हमें एक राहत किट बना जिसमें 10 सामग्री हैं, उसमें 3 केजी चावल, 1 केजी दाल, 250 ग्राम बड़ी, 2 मैगी, 2 बिस्किट और उसमें आपके 2 कैंडल, 2 माचिस की डिब्बी, 1 नमक का पैकेट और 500 ml तेल तो वितरण किया गया है। कुल मुझे यहाँ पर मुझे प्रशासन द्वारा हमारे मान्य तो हमारे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार कुल 114 परिवार को पटना था, कल केवल 33 परिवार को। CDO पहुंची बनराजी जनजाति के समुदाय के लोगों के पास डीडी हाट और तिरंगा रैली का महत्व समझाया, घर घर तिरंगा बांटा।
मैडम आज पहली बार यहाँ पर जनपद स्तर के कोई अधिकारी पहली बार सीमांत क्षेत्र के वनराजी बाहुल्य क्षेत्र में पहुँची हैं। यहाँ पर बहुत मूलभूत असुविधाएं हैं जिनके लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय पर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे जमीन स्तर पर? यहाँ आज हम लोग पहली बार मदनपुरी तोकमल पहुँचे हैं, वनराजी बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर। जैसा कि मुझे पूरा भ्रमण करने पर जो समस्याएँ मेरे सामने आई हैं उनमें से बेसिक समस्याएँ इनकी बिजली की है, सड़क की है, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है रास्ता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि एक सेफ़ रास्ता इनको प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 19 परिवार हैं और 109 की जनसंख्या है। तो इतने ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 2-3 किलोमीटर तक ऐसे रास्तों पर चल के पढ़ने जाते हैं। तो अगर रास्ते हम लोग अच्छे से सुदृढ़ कर देंगे तो एक समस्या इनकी दूर हो पाएगी। दूसरी बिजली की है, ज़्यादातर यहाँ पर सोलर लाइट पर बेस्ड हैं। अगर सोलर लाइट भी देना चाहे तो हम सोलर लाइट भी अगर पूरी तरह फुल्ली सैचुरेट करें तभी भी हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कूटा चौरानी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर और दूर है, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी समस्याएं होंगी निसंदेह। वहाँ पर आज हम नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम पर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ का सामुदायिक भवन है जिसको भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जीर्णशीर्ण हो गया है, तो इसको भी एक मरम्मत की आवश्यकता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि पिछले प्रयासों से ये रहा है कि लगभग इस क्षेत्र के 51 परिवारों का आवास आ चुका है, उसका पैसा भी शासन की तरफ से हमें मिल चुका है, बस अभी उस पर काम करना बाकी है। तो एक आवास की जो समस्या है जो देख रहे हैं हम लोगों के, वो निसंदेह दूर हो पाएगी। मैडम आने वाले समय में वंचित हैं और बेसिक एमिनिटीज भी प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसी के मुहिम में जब तक हम अपना तिरंगा, अपना जो झंडा है वो इन लोगों तक एक एक लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारा हर घर झंडा तिरंगा अभियान उतना फुल फ्लेज तरीके से नहीं चल पाएगा। तो मेरी यही मंशा थी और यही थी कि मैं यहाँ तक पहुँच के हर एक व्यक्ति तक, एक जो हमारे हाशिए पर रह रहे व्यक्ति तक है, उनको झंडा वितरित करूँ और उनकी समस्याएँ सुनूँ और यहाँ पर उनको फिजिकली एक बार अपने आप आके एक बार एहसास करूं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, और उस तरह से हम एक बेहतर रणनीति बना के बेहतर तरीके से हम जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनका उनको बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। इसी उद्देश्य के साथ मेरा यहाँ पर आना हुआ है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों में इतना उत्साह है और ये लोग मतलब इतना तो हम लोग को पिथौरागढ़ के मेन सिटी में देखने को नहीं मिलता जितना यहाँ दूर दराज के गाँव में देखने को मिलता है। मुझे बहुत अत्यंत हर्ष का अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। कोकल खेत में पहाड़ी दरकी, एक गौशाला को नुकसान और साथ में 11 KV की लाइन ध्वस्त होने से कई गांवों को विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाएगी कुछ दिनों तक। खेत, जमकू, छिरकला, नारायण आश्रम, पांगू, अन्य स्थानों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिचारा कर लियो Please do like, share and subscribe DCL News.